हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020, आपने किस जिले से फॉर्म भरा है? दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे जिले बताने जा रहा हूं जहां पर फॉर्म्स की संख्या ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, यानी कि वो जिले आपके लिए खतरनाक होने वाले हैं। तो दोस्तों, अब राजस्थान पुलिस के फॉर्म खत्म हो ही चुके हैं, इसलिए चलिए आज आपको फटाफट से बताता हूं, अगर आपने दोस्तों इन जिलों से फॉर्म भरा है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आगे पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके जिलों की, कि कौन से वो जिले हैं जो आपके लिए सेफ नहीं है, यानी कि अगर आपने उन जिलों से फॉर्म भरा है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस जिले से फॉर्म भरा है। पहले बात कर रहे हैं दोस्तों जयपुर ग्रामीण की। जी दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में काफी फॉर्म आए हैं, क्योंकि दोस्तों नाम में जयपुर आ गया, लेकिन दोस्तों अब आप जयपुर ग्रामीण में वैकेंसी की संख्या देखिए कितनी कम है। ये देखिए, जिला जयपुर ग्रामीण 34 नंबर का जो है जिला जयपुर ग्रामीण, इसमें आप देखिए वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है। तो दोस्तों, यहां पर वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन फॉर्म आपके काफी ज्यादा आए हैं, इसलिए जयपुर ग्रामीण में अगर आप हैं तो जरा संभल जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फॉर्म बहुत ज्यादा आए हैं। इसके अलावा एक आपकी बात आ रही है जोधपुर की। जी हां दोस्तों, जोधपुर में भी बहुत ज्यादा फॉर्म आए हैं। फॉर्म्स की संख्या के मामले में जोधपुर तीसरे नंबर के ऊपर लगभग आता है। और वैकेंसी कितनी है ये आप देखिए, 19 नंबर का जो है यहाँ पर जिला है जोधपुर, 19 नंबर के पॉइंट में, इसमें 40 वैकेंसी आपकी टोटल हैं। तो दोस्तों, जिला जोधपुर में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 40 है और फॉर्म्स की संख्या के मामले में जोधपुर तीसरे नंबर के ऊपर है, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म जयपुर कमिश्नरेट में है, फिर ग्रामीण में जयपुर में और फिर जोधपुर में। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, अगर आपने जोधपुर से फॉर्म भरा है तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आपने फॉर्म क्यों भरा, बल्कि मैं आपको यह बता रहा हूं, पहले ही आगाह कर रहा हूं कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपके यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों, एक आपकी बात उदयपुर की हो रही है। जी हां दोस्तों, उदयपुर का भी कुछ यही हाल है। उदयपुर में भी कंपटीशन तो है बहुत, लेकिन वैकेंसी यहां पर आपकी है कम, इसीलिए दोस्तों अगर आपने उदयपुर से फॉर्म भरा है, यह देख लीजिए जिला उदयपुर NTSP, इसमें दोस्तों आपकी सिर्फ 7 वैकेंसी यहां पर दर्शाई गई हैं। तो दोस्तों, उदयपुर से फॉर्म भरा है तो बिल्कुल अच्छे से मेहनत करने की आपको जरूरत है। इसके अलावा एक आपका कोटा है। दोस्तों, कोटा में कितनी वैकेंसी है अभी आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए जिला कोटा, इसमें आपकी 111 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, कोटा में भी बहुत फॉर्म आए हैं, फॉर्म की संख्या के मामले में कोटा 5वें नंबर के ऊपर है। खैर, यहां पर वैकेंसी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी फॉर्म ज्यादा है, यानी कि कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बात करूंगा अब जयपुर कमिश्नरेट की। दोस्तों, सबसे ज्यादा फॉर्म राजस्थान पुलिस की भर्ती में जयपुर कमिश्नरेट के अंदर ही आए हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं इसे आपके लिए बहुत ज्यादा अनसेफ है, या आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर वैकेंसी भी सबसे ज्यादा है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में यहां पर जयपुर आयुक्तालय से कमिश्नरेट में 535 वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो दोस्तों, यहां पर वैकेंसी ज्यादा जरूर है, लेकिन फॉर्म्स की संख्या, वैकेंसी की संख्या ज्यादा होने के कारण यहां पर जो कंपटीशन है वो कम है, इसलिए दोस्तों जयपुर कमिश्नरेट आपका एरेज रहने वाला है, मैंने तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन यहां पर वैकेंसी ज्यादा है और फॉर्म भी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा काम बैलेंस हो गया है। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस की भर्ती में अगर आपने इन 5 से 6 जिलों को चुना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और आपको अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर इस वीडियो का मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको पहले ही सूचित करना है कि सावधान, इन जिलों में कंपटीशन ज्यादा है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आगे पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूंगा। राजस्थान पुलिस की भर्ती के लिए हमने आपके लिए इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा एक स्पेशल ई बुक तैयार करवाई है। इसमें आपको इंडिया जी के, राजस्थान जी के, जनरल साइंस, कंप्यूटर, महिलाओं और बच्चों के अपराध, इन सभी पार्ट के 7,500 से भी ज्यादा टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस PDF को भी डाउनलोड करके पढ़ने में लग जाओ, इस बार राजस्थान पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन लेकर रहेंगे, क्योंकि इस PDF में आपको पिछले साल के 2018 भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर भी बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।